ये पोयम मैंने बहुत टाइम पहले लिखी थी और इसमें मैंने टीनेजर्स का प्यार लिखा था और फिर मैंने इसको बंद कर दिया था, बोला नहीं था, क्योंकि हर कोई जानता है कि हाथ में दर्द लिए गमों के पन्ने बिछा उन पर अपने जज्बात लिखती हूँ। जी हाँ, मैं वही हूँ जो हर बेवफा शख्स की औकात लिखती हूँ। तो आई होप कि आज ये वाली पोयम आपको पसंद आई। तो शुरू करती हूँ। मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था, मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। शुक्रिया। कि मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था कि बिंदी लगाना भूल गई थी मैं, तो उसने काले पेन से टीका लगाया था। वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, वो अक्सर दूर से ही देखता था मुझे तो सब ठीक था, पर बात तो उस दिन बिगड़ी जिस दिन उसने सबके सामने मुझे गले लगाया था। और मेरी खूबसूरती को उसने उस दिन इस कदर सजाया था। वैसे तो बहुत सी गाड़ियां आती थी गली में मेरी, वैसे तो बहुत सी गाड़ियां आती थी गली में मेरी, पर आफत तो उस दिन आ गई जिस दिन उसने हॉर्न बजाया था। और मेरी शुक्रिया। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने कुछ इस कदर सजाया था कि अपनी ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, कि अपने ही क्लास के लड़के नज़र चुरा कर चलते थे मुझसे, क्योंकि उसने उन सबको मुझे उनकी भाभी बताया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। और एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, एक दोस्त का बर्थडे था तो मैं ब्लैक ड्रेस में पहुंची थी, मुझे ब्लैक कपड़ों में देख वो तुरंत घर जाकर काला कुर्ता डाल आया था। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। शुक्रिया दानिश। वो अक्सर छुप छुप के तोहफे तो देता था मुझे, वो अक्सर छुप छुप कर तोहफे भी देता था मुझे, पर मेरा दिमाग तो उस दिन घूमा जिस दिन मुझे पायल देने के चक्कर में वो अपनी साइकिल बेच आया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। अक्सर मुझे देखने के चक्कर में मार खाता था वो, अक्सर मुझे देखने के चक्कर में मार खाता था वो, पर कयामत तो उस दिन आई जब मार खाते खाते भी मुझे देख वो मुस्कुराया था। मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। वैसे तो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, वैसे तो लोगों से मिलना जुलना ज़्यादा पसंद नहीं है मुझे, पर उस दिन न जाने क्यों अच्छा लगा जिस दिन उसने मुझे अपनी माँ से मिलवाया था। और मेरी खूबसूरती को उस दिन उसने इस कदर सजाया था। हम साथ रहें या ना रहें ये तो अलग बात है, हम साथ हैं या नहीं ये भी अलग बात है, पर इन खूबसूरत पलों ने मुझे एक अलग ही एहसास कराया था। मेरी खूबसूरती को उसने हमेशा ही कुछ इस तरह सजाया था। शुक्रिया बहुत बहुत। एंड आप सबको शुक्रिया कि आप लोग आते हैं, और जी टॉक्स आप लोगों की वजह से यह इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन पाया है, तो मैं सबको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी। एंड यही बोलना चाहूँगी कि देखते रहिए जी टॉक्स, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स ऑल्सो, थैंक यू सो मच। एंड गूंज वेव्स भी आ चुका है तो उसे भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।